बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की तरफ से, जनजागरण शक्ति संगठन की तरफ से आप सबको जिंदाबाद, जय भीम और सतरंगी सलाम। रीना और मैं कामायनी, हम दोनों अपने संगठन की ओर से यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा कोई पब्लिक एक्नॉलेजमेंट हम लोग को मिल रहा है। संगठन में महिलाओं की भूमिका की, हम लोग महिला संगठन नहीं है, जनजागरण शक्ति संगठन या जेजेएसएस हम लोग कहते हैं। तो जेजेएसएस एक मजदूरों और किसानों का संगठन है। हम लोग उत्तर बिहार के इलाके में काम करते हैं मजदूरों और किसानों के मुद्दे पर सारी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम जाति, धर्म, वर्ग, लिंग की जो हिंसा है या जो भेदभाव हो रहा है उसके आधार पर उसके संबंध में भी काम करते हैं। मैं पहले चाहूंगी कि रीना अपनी बात रखें और उसके बाद मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगी। सलाम, मेरा घर बिहार जिला से है और हम 2010 से अपने जनजागरण संगठन से हम लोग जुड़े हैं। और तभी से 10 से पहले, जब संगठन से जुड़ने से पहले हम खुद का अपना घर में हम नहीं बोल पाते थे, खुद का अपना अधिकार जो उसको नहीं जान पाते थे। सिर्फ घर संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना। जैसे हम हमारा संगठन जनजागरण संगठन हमें मिला तो जनजागरण संगठन को हम बीच से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जो महिला अपने घर में नहीं बोल पाते थे, आज संगठन के माध्यम से अपने घर में बोल रहे हैं, अपने जिला में भी आवाज़ उठाते हैं, अपने प्रखंड में भी आवाज़ उठाते हैं और पटना और दिल्ली शहर में जाकर भी अपना आवाज़ उठाते हैं अपना अधिकार को लेकर। बस अब हम कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। एक तो कि जब हम आए संगठन के काम से जुड़े हैं तो हम लोग को समझाया गया कि ये पांच भी अलग अलग स्थाई है तो कोई काम नहीं होता है, इनको पांच को जोड़ना पड़ता है। तो एक तो हर बात में हम लोग को नारा उठाना और दुखी मानने की आदत है। नेहा जी की तरह हमें कोई बहुत सुंदर आवाज या डायनामिक लिरिक राइटिंग की एबिलिटी तो नहीं है पर हम अपनी बातें नारों में रखते हैं। तो हम लोग मिलकर एक नारा आपके सामने लेना चाहेंगे। हम कहेंगे हम सब, आप हमारा साथ दे सकते हैं। आप ऊंची बात में बस इतना कह दीजिए एक है, क्योंकि हम सर इस भरोसे पर काम करते रहते हैं कि अंत में कितने में पहचान में कितने भी अलग क्यों ना हो, अंत में है तो एक ही, तो अंत में ठीक तरफ निकल आएगा। और आजकल जो हालात हैं, नेहा जी से बेहतर किसका एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो। और सिंह जी ने बता दिया वो यूपी से है, हम खुद यूपी से हैं पर यूपी में क्या बात। तो आप नारा उठाएंगे, हम कहेंगे हम सब, आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए एक है हम सब। ओह नहीं हो रहा, सब साथ दे दीजिए ना, एक बार हिम्मत बढ़ जाएगी। हम लोग को सम्मान देने की इतनी आदत नहीं है। हमारे एनआरसी के साथी और आंदोलन के साथी भी बैठे हैं तो थोड़ा साथ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग का मानना ये है कि महिलाओं की सहभागिता बहुत जरूरी है और महिलाओं के मुद्दों में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग ये सारे मुद्दे आते हैं। मैं छोटे छोटे किस्से बोलना चाहती हूँ। जैसे रीना ने बोला कि हम घर का काम करते थे या घर में व्यस्त रहते थे तो हमने अपने घर को छोड़े नहीं, हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम बड़ा करें। पर हमारी परिवार की परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई है, पूरा समाज लगता है कि हमारा परिवार है। तो हमें याद है कि जब हम शुरू शुरू में काम शुरू कर रहे थे सब साथी एक दूसरे से मिल रहे थे, एक और साथी हमारी नीला, तो नीला रीना हम लोग सब लोग मिले ऐसे आपस में बातचीत हो रही थी। एक नाटक काले दादा थी, कुछ गाने लिखने थे तो नीला कुछ लिख नहीं रही थी। तो मैंने उनसे पूछा दाद ने पढ़ाई की, वो मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ी लिखी नहीं। तो हमने कहा ठीक है। कुछ साल बाद हमारे संगठन की गाने की एक किताब छपी और मैंने देखा कि नीला डायरी लेकर के और किताब से गाना लिख रही है। मैंने उनसे कहा कि नीला आपको पढ़ी लिखी नहीं थी, दो साल तीन साल हम लोग संगठन में साथ हैं, संगठन में पढ़ना लिखना सीख गई क्या? बोली नहीं मैं पढ़ी लिखी थी, मैं चौथी क्लास तक गई थी पर एक तो जरूरत नहीं पड़ी और उसमें हम भूल गए अपने बच्चों को बड़ा करने में घर में। तो औरतें ऐसे खप जाती हैं, जरूरी नहीं है हमारे पास थोड़े थोड़े संसाधन आ भी रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ चले जाते हैं। दूसरा, हमने
आंदोलनों में कैंपेन में एक और नारा सुना, पास द माइक, यानी आप दूसरे के लिए मत बोलिए, औरतों को बोलना है तो औरतों को माइक दीजिए, वो बोलेंगी। तो हम लोगों ने भी कहा हाँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमने अपने संगठन में आवाज उठाई, इसलिए भी मुझे याद है नीला थी, हम थे और कुछ और महिला शुरुआती दौर की महिला साथी थी। तो हम लोगों ने कहा कि हमें माइक नहीं मिलता, जब मीटिंग होती है तो हमें माइक नहीं दिया जाता, सिर्फ पुरुषों को माइक दिया जाता है। अगली मीटिंग में हमारे हाथ में माइक दे दिया गया और हम साथियों को समझ नहीं आया कि हम क्या बोलें। तब हमको ये एहसास हुआ कि सिर्फ माइक लेने से नहीं होगा, हमें अपनी बात रखनी सीखनी होगी। तब हमारी पहली महिला वर्कशॉप चालू हुई, हमने अपने शरीर के बारे में बात की, हमने अपनी लैंगिकता के बारे में बात की, हमने अपने अधिकारों के बारे में बात की, हमने पलायन के बारे में बात की, हमने अपने दुख दर्द साझा किए और महिलाओं के साथ, और इस तरह से हमारा संघर्ष आगे बढ़ा। एक और चीज जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे साथी रंजीत जी बैठे हैं, वो हमारे JJSS के महासचिव रहे हैं, और जैसे हम लोग कहते हैं, नारा लेते हैं कि महिला के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, और हमने एहसास किया कि महिलाओं की आंदोलन के लिए या क्रांति के लिए हमें नारीवादी पुरुष की बहुत जरूरी है। तो इस हॉल में बहुत सारे पुरुष साथी हैं और हमें लगता है रंजीत जी की तरह वो भी हमारी सपोर्ट में होंगे, तो हम आप सबको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। हमें लगता है कि नारीवाद जो सोच है अगर हमारे पुरुषों में आ जाए हमारे साथ साथ, तो ये बदलाव बहुत ही आसान हो जाएगा। राशन, पेंशन, नरेगा, सामाजिक सुरक्षा, CA का विरोध का आंदोलन रहा हो या वो कोई भी आंदोलन रहा हो, हमें लगता है वो हम सबके मुद्दों से जुड़ा है, वो महिला मुद्दों से जुड़ा है। और फिर वही कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया और हमारी बात सामने लाने का हमें मौका मिला। हमारे लिए बस एक रिपीटेशन, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, ये सारी लड़ाइयाँ महिलाओं की आज़ादी से, पितृसत्ता को खत्म करने से जुड़ा हुआ है। एक अंतिम नारा लीना लीजिए और फिर हम लोग यहाँ से महिला शक्ति आई है, आप लोग बोलिएगा इस नई दोस्ती लाइन में। महिला शक्ति आई है, नई दोस्ती आई है, महिला शक्ति